उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण का मतदान छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, लेकिन इससे पहले बरेली में जब आज सुबह 7 बजे पोलिंग बूथों पर मतदान शुरू हुआ तो मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, जो शुरुआती तौर पर पोलिंग बूथों तक भी पहुंचा, लेकिन कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम खराबी की भी शिकायतें आईं, जिस पर उन्हें बदलकर 15 से 20 मिनट देर से मतदान शुरू हो सका। वहीं इसके बाद लोग महज अपनी गलियों और मोहल्लों में ही सिमट कर रह गए, जिससे नगर निगम बरेली क्षेत्र की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, जो शाम तक यूं ही कायम रहा। इस बीच सड़कों पर महज इक्का दुक्का वाहन ही चलते नजर आया। आपको बताते चले कि हमेशा रोडवेज बसों और राहगीरों से खचाखच भरा रहने वाला सैटेलाइट बस स्टेशन और पीलीभीत बाईपास पर भी वाहनों की आवाजाही बहुत कम रही, साथ ही यहां यात्रियों की भी रोजाना जैसी भीड़ नहीं नजर आई। अगर बात करें नगर निगम में मतदान फीसद की तो अपेक्षा से काफी कम रहा, क्योंकि शहर के लोग सुस्ती दिखाते रहे और घरों से नहीं निकले।